कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय दामोदर देश भक्तवृंद, बहुत अद्भुत कीर्तन हमारे प्रभु जी अब कर रहे थे। कृष्ण हरि बोल। और दामोदर मास, कार्तिक मास और प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अष्टमी को गोपाष्टमी, ये दो बहुत बड़े महाउत्सव इस कृष्ण भक्ति के वर्धक इस मास में होते हैं। सो गोपाष्टमी का मतलब है भगवान श्री कृष्ण आज के दिन गैया चराना शुरू किया और उनकी आयु कुमार जो अवस्था थी 5 वर्ष तक वो पूरी हो गई और आज वो पौंगड़ अवस्था में प्रवेश करते हैं जो 6 से 10 साल तक रहती है। और ये 15वां अध्याय दशम स्कंद का है जहां पहला श्लोक है, उसका हम श्रवण करके आगे बढ़ते हैं। श्री शुक उवाच ततश्च पौंगड़ वहेश्रुतो व्रजे। ततस का मतलब अब कहते हैं ब्रह्मा जी स्तुति करके गए, उन्होंने वत्स चुराए, वो तब तो बछड़े चरा रहे थे। 1 साल इसमें बीत गया, ये 1 साल तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बछड़े स्वयं ग्वाल बाल और स्वयं ही चराने वाले रहे। बस एक बलराम जी उनके साथ था, बाकी सारे ग्वाल बाल तो ब्रह्मा जी के पास थे और कृष्ण ही बछड़े बने हुए थे। और तब ये चतुर्भुज रूप में असल में विष्णु का विस्तार था जो कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए इस लीला का आनंद ले रहा था। इसलिए कहते हैं विष्णु भी कृष्ण से प्रेम करता है, उसका दर्शन करना चाहता है। अब 1 साल पूरा हो गया तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ततस, इसका मतलब अब भगवान बछड़े चारना बंद कर रहे। पौंगड़ वयः, भगवान का अब आयु कौन सा हुआ? पौंगड़, पौंगड़ का मतलब 6 साल के हो गए, 5 साल। वैसे भगवान का शरीर हमारी तरह ऐसे नहीं है कि भगवान अपनी जब जो व्यवस्था अवस्था करना चाहे कर सकते हैं, वैसे भगवान 3.5 साल के 5 के लगते हैं। और भगवान का वय अपने ही किशोर से तो कभी बड़े होते ही नहीं है, वो नित्य किशोर वय में रहते हैं, नित्य या नवयुवक रहते हैं, लेकिन फिर भी और ये सारी अवस्था नित्य है। तो पौंगड़ वय श्रुत हो, जब प्राप्त हुआ पौंगड़ शरीर उनका, अब 5 साल से बड़ा हो गया, कहां? व्रजे, वृंदावन में। बभुवा हो तो दोनों भाई, बभुवा हो तो का मतलब दोनों भाई कृष्ण और बलराम। पशुपाल समतो, पशुपाल समतो, पशु का मतलब गाय और पाल का मतलब उसको पालने वाला, और समतो मतलब दोनों अभी उनको गायों को चराने के लिए योग्य हो गए, एक बात। और दूसरा इसका अर्थ है गायों ने भी और गोपों ने भी, पशु हो गई गाय और पाल हो गए गोप, दोनों ने सम्मति दे दी कि अब कृष्ण हमको चराएगा। गास चार्यंतो सखी भी सम्मम पदई,
गासच्चार्यन्तु। अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया, गायों को चराना शुरू कर दिया, गाहा गायों को चराना शुरू, चरंतो दोनों भाइयों की बात हो रही है लीला में, दोनों भाई सखी भी और अपने सखों के साथ ग्वाल बालों के साथ। समम पदई वृंदावन पुण्यमति व चक्रतो हो, ये कार्य भगवान ने जो शुरू किया उससे वृंदावन अति पुण्य हो गया, अति पुण्य हो गया किससे, भगवान के चरणों के चिन्ह से। 5 साल तक से भगवान के चरणों में जो 21 बहुत सुंदर चिन्ह है वो अभी इतने प्रकट नहीं हुए थे, अब 6 मास में आ गए तो धरती के ऊपर जैसे चिन्ह पड़ते थे ना, ये धरती तो भगवान की पत्नी है, वो भगवान के चरण पड़ते थे उनके ऊपर अंकुश भी दिख रहा है, ध्वजा भी दिख रही है और वज्र भी दिख रहा है और कमल भी दिख रहा है और भगवान के शंख दिख रहा है, चक्र दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, मछली दिख रही है, बड़े बड़े चिन्ह दिख रहे हैं अद्भुत, और धरती बड़ी प्रसन्न हो गई। तो इस श्लोक के भाव को, इस श्लोक के भाव के अंतर्गत आज के दिन का वर्णन पद्म पुराण में, जहां विशेष रूप से कार्तक महात्म्य है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं 15वें अध्याय में, भगवान श्री कृष्ण और बलराम का गाय चरण की चराने की लीला अपने सखाओं के साथ में है, और फिर धेनुका सुर के वध का वर्णन है, और फिर कालिये के उद्धार का वर्णन है। 5 साल तक तो भगवान खेल कूद कर रहे थे, गैया चरा रहे थे बलराम के साथ, जब सॉरी बछड़े चरा रहे थे, बछड़े चराने के लिए कहां तक जाते थे, वो सुबह जाते थे ज्यादा से ज्यादा 13 कदम तक और दोपहर में घर आके भोजन करते थे। एक बार ही तो वन भोजन का प्रोग्राम बनाया था, उस दिन तो ब्रह्मा जी ने बछड़े ही चुरा लिए, नहीं तो रोज घर आ जाते थे। लेकिन अब पहली बार गाय चराने का दिन कार्तिक महात्म्य के पद्म पुराण में लिखा है, वो श्लोक ऐसे जीव गोस्वामी पाद ने उस श्लोक को दिया है, वो श्लोक ऐसे हमारे भागवत में भी लिखा है प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, ओ जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, शुक्लाष्टमी कार्तिके, कार्तिक महीने की शुक्ल अष्टमी, ब्राइट फोर्टनाइट, तो स्मृता गोपाष्टमी बुद्धई, जो बुद्धिमान विद्वान है उसको गोपाष्टमी करके याद करते हैं, तद्दिनाद वासुदेव, उस दिन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव अभूत गोप पूर्वम तो वत्सपाल, जो पहले वत्सपाल, असल में भगवान सदा ही वत्सपाल है, हम भक्त हैं, हमें भगवान के वत्स, वो हमारा है वत्सपाल, हम भक्त है भक्त, इसलिए भगवान का नाम ही है भक्त वत्सल, लेकिन फिर भी गाय चराने के लिए विशेष भगवान की पहचान गोपाल और गोविंद है, और गोविंद का नाम तो गोवर्धन पूजा के दिन जो सुरभि गाय ने कहा, आप ही हमारे गोपाल हैं, आपकी गायों के रक्षक है, गायों के पालक है, और भगवान तो गो ब्राह्मण हिता है, जगत हिता है, गोविंद आय नमो नमः, ब्राह्मणों से पहले गाय का नाम है गो ब्राह्मण हिता है, पहले गौ फिर ब्राह्मण, उनके हित के लिए भगवान के अवतार का ये विशेष मिशन स्टेटमेंट है। सो आज के दिन क्या लिखा है जीव गोस्वामी ने, ये कह के फिर कथा का शुभारंभ करते हैं। अब ये जो तू शब्द है, इसका मतलब इस श्लोक में तू शब्द है, उसका अर्थ ये है कि भगवान अब बछड़े चराने को छोड़ के गैया चराना शुरू करेंगे, और ये सब ब्रज की लीलाएं हैं, और ये बड़ी आकर्षित है भगवान की, बहुत समय से कृष्ण की इच्छा थी कि मैं गैया चराने जाऊं बलराम जी के साथ, और वृंदावन में अद्भुत लीलाएं, सखाओं की लीलाएं करें। ये पहले 3 साल 4 महीने तक भगवान जब गोकुल में रहते हैं तो उनकी बाल लीलाएं होती है, वात्सल्य भक्त जो वात्सल्य प्रेम के भक्त हैं उनको रसास्वादन कराते हैं, लेकिन भगवान जब ब्रज में आते हैं और बछड़े चराने शुरू कर देते हैं
तब भगवान सखाओं के साथ सखा लीला का रसास्वादन कराते हैं और जो भगवान से मित्रता करने चाहते हैं उनको निमंत्रण देते हैं। तो अब नंद महाराज को जाके कन्हैया ने कहा कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, अपने हाथ को दिखाया, देखो मैं बड़ा हो गया हूं, अब ये बछड़ा चराने होते मुझे लज्जा होता है, ये तो बच्चों का काम है, हम बड़े हो गए, अब हमको गोपाल कर्ण बनाओ, हम गैया चराने जाए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे जो जो हमारा पैतृक कार्य है, आज हम गोपाल हैं और हमारा बच्चा गैया चराना जाता है, लेकिन अब छोटा है। मैया यशोदा ने सुना, बोला इतना छोटा बच्चा, इतनी बड़ी गैया, 9 लाख हमारी गैया है, बड़े बड़े बैल है, इंसानों के साथ कैसे जाएगा, इनको कैसे संभाल पाएगा, और जंगल में कितने कांटे होते हैं, जंगल में भूख होती है, प्यास होती है, बच्चा ऐसे कैसे जाएगा, नहीं अभी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कृष्ण जिद करके बैठा कि मैं तो जरूर जाऊंगा, गैया चराने जाऊंगा। तो नंद बाबा ने कहा जाना है तो जरूर जाना, लेकिन मुहूर्त तो निकाले, ये तो बहुत बड़ा हमारा पैतृक कार्य है, इसके दिन कोई मुहूर्त निकालेंगे, इसकी पूजन होगा, फिर आप जाएंगे। तो कन्हैया ने कहा ठीक है पूजन करना। इतनी देर में सांडल्य ऋषि आ गए, जो नंद बाबा के पुरोहित है, गोपों के पुरोहित है सांडल्य ऋषि, वो पधारे। नंद बाबा ने कहा आइए पुरोहित राज, जल पान कीजिए, दूध मक्खन दही खाइए। बोला ये बच्चा जिद क्यों कर रहा है, कन्हैया जिद क्यों कर रहा है। बोला कन्हैया कह रहा है गैया चराने जाऊंगा, हम कह रहे हैं मुहूर्त निकालना है। वो तो सांडल्य ऋषि ने तो अंदर से अपना पंचांग निकाला और देखने लगा और बड़ा चिंता से देख रहा है। नंद बाबा ने क्या बात है बताओ। बोला क्या बताऊं, आज का दिन ही मुहूर्त है, फिर 1 वर्ष तक तो मुहूर्त है ही नहीं। नंद बाबा बोलता है ये तो गुरुजी हमारा और हमारा बेटा आपस में मिले हुए हैं, अभी कल ही मुहूर्त है, बस एक कल मुहूर्त है, फिर मुहूर्त नहीं है। आज अष्टमी का कल है, बस एक ही मुहूर्त है। अब तो निर्णय हो गया कि कल पूजन होगा गाय का और कन्हैया गैया चराने जाएगा। हर साल ये बड़ा उत्सव होता है नंद गांव में। एक साल हम उत्सव देखने के लिए गए थे नंद गांव में। 2 बच्चों को कृष्ण बलराम बनाते हैं, उनका स्वरूप बनाते हैं बहुत सुंदर। फिर सारे वो जो पंडित ब्रजवासी बैठते हैं वो पूरा एक उनका कहते हैं, वो उसको उनकी अपनी भाषा में कहते हैं पंचायत होती है, वो बैठ के आपस में कुछ गाते हैं कृष्ण की गाय चराने की लीला को। उसके बाद दोनों बच्चों को कंधे में उठाते हैं, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े बड़े गोप उनको कंधे में उठाकर जो नंद बाबा की अपनी गौशालाएं हैं उन सब गौशाला में ले जाते हैं। और फिर सारा पूरा शहर नंदगांव के लोग जाके वहां से 13 कदम तक जाते हैं, जहां अपने रघुनाथ दास अपने रूप गोस्वामी की भजन कुटीर है, वहां एक जगह है, वहां जाके कृष्ण बलराम को बिठाते हैं और वहां तक ये सब साथ जाते हैं कि आज गैया चराने जा रहा है और गैया चराने जाएगा। तो फिर ये बड़ा उत्सव मनाते हैं और फिर सब अपना अपना प्रसाद लाते हैं, भगवान को खिलाते हैं और ये बड़ा उत्सव ब्रज में होता है। तो आज नंद बाबा ने जब सांडल्य ऋषि ने कह दिया कि कल से कन्हैया गैया चराने जाएगा, तो अब नंदगांव और बरसाने के बीच में बहुत बड़ा गायों के लिए एक पंडाल बना और सब गायें इकट्ठी हो गई और ये ग्वाल जो थे सारी रात अच्छी तरह से गायों के सींगों को तेल लगाए और फिर कुमकुम लगाए, हल्दी लगाए, उसके ऊपर बड़े बड़े गले के अंदर मालाएं पहनाए, हीरे मोतियों की बहुत सुंदर मालाएं और कपड़े वस्त्र आभूषण फूल ऐसे सुंदर सजा के थका रात सारी काम में लगे हुए थे। कल हम गैया चराने जाएंगे और गैया की पूजा करने के लिए सुबह तैयारी हो रही है। अब थके हारे भाई जो भी देर से आके सो गए, सुबह कन्हैया उठा है और जब कन्हैया उठा है ये कथा करे, उससे पहले नंद बाबा ने आज्ञा नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी कृष्ण ने कहा मैं बड़ा हूं, मेरे को आज्ञा दो, अब मैं पशुपाल हो जाऊंगा और इसके लायक हूं। तो पुरोहित से पूछ के ये अनुमति हो गई। तो ये दोनों भाई और बलराम जी ने उस वक्त माँ को आश्वासन दिलाया कि मैया यशोदा चिंता मत करो, मैं हूं ना, कन्हैया को कहीं भी भटकने नहीं दूंगा, न जमुना में कूदने दूंगा, नहीं पशुओं से रक्षा करूंगा, मैं साथ में हूं ना।
तो मैया ने कैसे भी हां कर दी और अब सुबह सवेरे, अब हम तो गोपाष्टमी गाय की पूजा करते हैं, गाय की आरती करते हैं, गाय के सुंदर चिन्ह लगाते हैं, अच्छा सा गुड़ खिलाते हैं और सुंदर गाय का आशीर्वाद देते हैं, उनके चरणों से धूलि लेकर सर के ऊपर लगाते हैं क्योंकि कृष्ण को बहुत प्रिय है गाय। कन्हैया को मैया ने तैयार किया सुबह जाने के लिए जंगल में, बहुत सुंदर पगड़ी बांध ली हाथों में, यहां कि नजर न लगे तो तावीज बांध दिए, अच्छी तरह से तावीज बांध दिए और रक्षा का सारा काम किया और कन्हैया को तैयार करके और दो चप्पल आगे रख दिए, जूते मोजरी का, कन्हैया जंगल में जाओगे, बहुत दूर तक जाओगे। गोपियां गोपी गीत में गाती हैं कि जब आप पशु चराने जाते हो, गैयों के पीछे जाते हो, आपके चरण इतने कोमल हैं, इसके अंदर कंकर पत्थर लगते हैं और हमारे को पीड़ा होती है इन चरणों का सुनकर। तो अब मैया ने जब जूते आगे रखे तो कन्हैया ने कहा, मैया हमारी गायों के जूते कहाँ हैं? मैया ने कहा, गाय तो पशु है बेटा। अरे गाय को पशु कह दिया मैया, सारा श्रृंगार ऐसे उतार दिया और कन्हैया श्रृंगार विंगार उतार के और रोने लगा। मैया ने बोला, क्यों रो रहे? बोले, गैया को पशु क्यों बोला? गैया हमारी माँ है, पशु नहीं। हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे हमारे कमल लोचन प्रभु स्कान डिजायट्री से बता रहे थे कि दक्षिण में किसी महाराज के पास कोई बड़ा विद्वान आया कि आपके पास महाविद्वान कोई है, एक प्रश्न पूछूं। बोला, क्या प्रश्न? बोला, बहुत विद्वान है। प्रश्न बोला, सब जानवरों में सबसे अच्छा दूध किसका है? तो एक विद्वान था, उसने कहा सबसे अच्छा दूध भैंस का है। तो सबने बोला, पागल है क्या? भैंस का दूध अच्छा कैसा है? गाय का दूध अच्छा है, सब लोग जानते हैं। बोला, इसने प्रश्न क्या पूछा है? इसने कहा है पशुओं में किसका दूध अच्छा है? पशुओं में गाय का दूध अच्छा है, वो पशुओं में भैंस का दूध अच्छा है। गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माता है, उसका पशुओं में पशुओं का दूध कहना गाय का अपराध हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, इसलिए गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। हमारी सात माताओं में गाय हमारी एक माता है। तो गाय का यह महत्व है कि भगवान ने कह दिया कि उनके लिए जब, अरे भगवान, अब यशोदा मैया कहती है, बेटा मैं पशु तो कभी नहीं कहूंगी, गाय हमारी माता है और ये हमारी, हमारा तो सारा निर्वाह है गाय चराने के ऊपर है, परंतु बेटा 9 लाख गायों के लिए 36 लाख जूते एक दिन में कैसे बनेंगे? बोला, नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं मैया, मैं भी नहीं पहन के जाऊंगा, मेरी गैया मेरे आगे चलेंगी, मैं उनके पीछे चलूंगा, तो मैं जूते पहन के नहीं जाऊंगा। और भगवान ने ब्रज में 11 वर्ष में कभी जूते नहीं पहने और ये समाचार गायों को पहुंचा कि कन्हैया ने हमको पशु कहने के ऊपर और हमारे लिए जूते नहीं है तो उसने जूते नहीं पहने हैं। सारी गैया जितनी थी वो अपने गौशालाओं में जहां बंधी थी वहां से रस्से तोड़ के 84 कोस ब्रज के अंदर अपने पांव से जितने कंकर पत्थर थे उन सबको पीस पीस कर ऐसी रज पाउडर जैसी बना रही कि वो मुंह में लगा हो तो भी चमका दे, पांव को क्या तकलीफ दे। आज तक ब्रज में कभी कृष्ण को कांटा लगा हो, कंकर पत्थर लगा हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। ये ब्रज की रज गायों के खुरों से पत्थरों को पीस के बनाई गई है और इस ब्रज रज की कितनी महिमा है, आगे गैया चलती है, पीछे गोपाल चलता है और गायों के धूल खुरु से उड़ी हुई गोपाल के घुंघरूले काले केशों के ऊपर लगती है और परिश्रम से पसीने के ऊपर जब वो धूल लगती है, इसको देखने के लिए गोपियां तो शाम को अपने अपने अटारियों के ऊपर खड़ी होकर दर्शन के लिए खड़ी हो जाती है। ये तो कृष्ण की बड़ी सुंदरता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा ब्रज में इस गोधूली में रखी है, ये ब्रज की रज गोधूली है, ये महात्मा हमेशा अपने हृदय से लगा के रखते हैं। मायापुर में नवदीप में श्री गौरंग महाप्रभु ने अपनी कृपा हरे कृष्ण महामंत्र में रखी है, जो महामंत्र जपेगा सदाई कृष्ण कृपा महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करेगा।
ब्रज की रज में भगवान ने अपनी कृपा को छुपा के रखा है। ब्रज में जाओ, रज में लोटो, और रज लग जाए तो समझो कृपा मिल गई, उसको झाड़ो मत, उतारो मत। और जगन्नाथपुरी में भगवान ने अपनी कृपा प्रसाद में रखी है। जगन्नाथ प्रसाद जगत पसारे हाथ, सबके लिए कृपा भगवान ने वहां रख दी है। तो अब कन्हैया गाय चराने के लिए, बोला गाय नहीं, वो जो बछड़े चराते थे ना कन्हैया, वो बड़े हो गए एक साल से। अब वो बछड़े कन्हैया से इतना प्रेम करने लगे कि हम तो कन्हैया के साथ ही चरने जाएंगे। अब दूसरे बछड़े गैया के हो गए, वो गैया का दूध पीते नहीं थे, वो बछड़े भी साथ हो लिए, बड़े बड़े बैल और सान। नंद बाबा ने कहा कैसे संभालोगे, कन्हैया ने बांसुरी उठाई और बांसुरी बजाई तो सारी गैया नाम लिया, धोली इस तरफ हो जाए और गोरी इस तरफ हो जाए और पिंगली इस तरफ हो जाए, और सब गैया पूछो ऊपर करके और बैल एक तरफ खड़े हो गए, सब शांति से खड़े हो गए। बोला ये तो संभाल लेगा। अब यहां से गायों के साथ जा रहे हैं कृष्ण बलराम पहली बार गैया चराने के लिए। वैसे लिखा है कि पहला ही गोपी गीत है, जयतम मधिता अधिकम वैकुंठ वृंदावन। भगवान जिस दिन वैकुंठ वृंदावन में प्रकट हुए, ये तो जयते अधिकम तव जन्मना, श्री कृष्ण आपके जन्म के साथ इस ब्रज की महिमा बढ़ गई है। लेकिन आज ये वृंदावन अति पुण्य हो गया। अति पुण्य के लिए लिखते हैं क्योंकि भगवान के चरणों के चिन्ह आज इनके ऊपर उभर गए, ये वृंदावन अति पुण्य हो गया। तो ये बछड़े भी साथ जा रहे हैं, जीवा गोस्वामी कहते हैं। अब यहां एक प्रश्न ये उठता है, ये जो भगवान की गोचारण लीला है, सुबह के वक्त गोपियों को बहुत बड़ी पीड़ा होती है कि कृष्ण के साथ वियोग हो जाएगा। सुबह चला जाता है 6-7 बजे गैया लेके, और शाम को 7 बजे 12 घंटे के लिए जुदाई हो जाएगी। कृष्ण जब गैया चराने के लिए निकलते हैं बलराम जी के संग और ग्वाल बालों के संग आगे गैया, तो पहले पहले तो नंद बाबा और यशोदा और बड़े गोप गोप खड़े हो जाते हैं वो कृष्ण को विदा करने के लिए, देखने के लिए थोड़ी देर साथ आगे चलते हैं। अब जो गोपियां नवयुवक हैं वो बेचारी शर्म के मारे पीछे खड़ी होती हैं, देख नहीं पाती हैं, और जब ये गोप नीचे झुक के दूर से देखते हैं तब वो ऊपर उठ के देखना चाहती हैं। एक आपने श्लोक पढ़ा होगा, वेणु गीत में है शायद, कणयो कर्णयो कर्णिकारकम विभर्तवास, वो जो है ब्रहा पीणम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारकम। वहां जो कर्णियो है वो दो कान है और एक फूल है, और कर्णिर का एक फूल है, उसका एक क्यों है? जीव गोस्वामी में लिखते हैं वो संकेत पुष्प है, संकेत का मतलब इशारा करने वाला। तो गोपियां जो पीछे से दूर से कृष्ण को देखती हैं किस तरफ आज गैया चराने जाएगा, तो कृष्ण उसे एक फूल को उठा के ऐसे हाथ में घुमाते हैं, और हाथ में घुमाने के बाद जिस कान पे रखते हैं लगता है आज इस तरफ गैया चराने जाएंगे। तो गोपियों को बहुत व्रह होती है, व्रह होता है जब कृष्ण सुबह गैया चराने जाते, और इसलिए ऐसे लिखा है कि पहले दिन जब कृष्ण गैया चराने के लिए गए तो राधा रानी और उसकी सखियां कृष्ण के व्रह को बर्दाश्त नहीं कर सकी, सहन नहीं कर सकी। अब उन्होंने धोती पहन ली, पगड़ी बांध दी, सब गोपों का वेश धारण करके और चली गई वन में, और बहुत झाड़ियों के बीच से उनकी गई गैया चराने की लीला को देखने लगी। तो ऐसे है कि ये जो माधुर्य प्रेम के भक्त है ये भी सखा रस का रास आस्वादन करते हैं, ये भी, ये तो बहुत अच्छी मधुर अद्भुत लीला है कि कृष्ण और बलराम गैया चराते हुए वहां जब गैया चरने लगती थी तो ये आपस में बैठ के खेलते थे एक दूसरे के साथ, मल युद्ध करते थे, कुश्ती युद्ध करते थे। एक बार बलराम जी नहीं था तो कृष्ण को कौन हरा सकता है, राधा रानी को बलराम जी बना दिया क्योंकि रंग की तो गोरी है, और वैसे भी शुभल और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, दो एक आदि ऐसी लीलाएं हैं। विशेष रूप से वृंदावन में एक दर्शन होता है साल में जिस दिन राधा रानी शुभल शखा बनती है। क्या हुआ कि राधा रानी तो कृष्ण से मिलने पहुंची नहीं, कृष्ण बड़े परेशान हुए, शुभल को कहा मैं कैसे, बोला मैं लेके आता। शुभल चला गया घूमते, वो मेरा बछड़ा गुम हो गया, कहाँ गया राधा रानी के वहां।
उसके कहा कि बछड़ा ढूंढ रहे हो? हाँ। बछड़ा कहाँ चला गया? अंदर राधा रानी को कहा, कृष्ण आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोला क्या करूं? बोला मैं यहां बैठ जाता हूं, आप मेरे कपड़े पहन लो। और छाती का क्या करेंगे? बोला बछड़े को गोद में उठाओ, मिल गया मिल गया। तो ऐसे राधा रानी सुबल सखा कभी बन जाती है। और एक बात दो तो दाऊ जी बन गए, बलराम जी का वेश है, गोरी तो है राधा, गोरा है बलराम। और उस दिन कृष्ण से पूछती गई और राधा के स्पर्श से कृष्ण ही नीचे हार गए सब। वाह वाह होकर कृष्ण ने देखा कि ये बड़ा अद्भुत रूप है, कभी ऐसे बलराम को देखा नहीं है। कहा कि इसी रूप में आप यहां विराजिए। राधारानी ने कहा आप ऐसे नहीं रह पाएंगे, तो एक अटल वन है, अटल राय चुंगी जो वृंदावन है उसके थोड़ा आगे एक मंदिर है, उसको कहते हैं गोरे दाऊ जी का मंदिर। वहां राधा रानी गोप वेश में है, वहां राधा रानी गोप वेश में है और बलराम जी के वेश में। और यही तो असल में गुरु तत्व है। राधा रानी आदि गुरु है, बलराम जी आदि गुरु है। जो शक्ति गुरु के पास है बलराम जी की है, करुणा राधा रानी की है, इन दोनों की कृपा है। ये बहुत सुंदर गोरे दाव जी का वहां मंदिर है। तो बात यह है कि उस गैया भी जाने लगी और बड़े बछड़े भी साथ जाने लगे और बैल भी जाने लगे और ये सारे ग्वाल बाल भगवान के साथ गैया चराने के लिए बन के आदर आगे आगे गैया कर दी। और इससे पहले तो बड़े बड़े ग्वाल गैया चराते थे, आज ये पशुपाल हो गए हैं और जा रहे हैं। तो ये गोपाष्टमी का दिन है और अब ये गैया चराने के लिए जंगल में चले गए। तब क्या हुआ? तब क्या है? दूसरे श्लोक में उस दिन की क्रिया का दर्शन करते। सुबह तो गोपियों को होता है ब्रह और शाम को मिलन की आकांक्षा से सारी गोपियां सज धज के अपने अपने घरों के ऊपर छत के ऊपर कृष्ण के आने का इंतजार करती हैं। तो कृष्ण के आने का पता कैसे लगता है? गोधूली को देखकर। ये गोधूली का मुहूर्त हो गया, शाम का समय जिस वक्त गैया जंगल से वापस लौटती है, आकाश में धूल उड़ती है, उसका नाम है गोधूली का समय। सूर्य अस्त होते गोधूली का समय और गोपियां उस गोधूली को देखते थी, क्या गोधूली उड़ रही है, गाय आ रही है, इसके पीछे गोपाल होगा। और खड़ी होकर कृष्ण के दर्शन के लिए, और उस वक्त जब दर्शन के लिए खड़ी होती थी उसी के लिए गोपियों ने ब्रह्मा जी को उलाहना दिया है कि तुम्हें आंखें बनाने नहीं आती, एक आंख तो हमारे निंदकों के ऊपर रखती हैं तो कोई देखे तो नहीं कृष्ण को देखने के लिए गई, आधी आंख से अपने रिश्तेदारों को देखती हैं, कोई देख तो नहीं रहे हैं कि हम काम छोड़ के यहाँ खड़े, आधी आंख से कृष्ण को देखती हैं उसके ऊपर तुमने ये पलके बना दिए, आंख बंद हो जाती है, चार मारती हैं, हमने समझा बुद्धि ज्यादा होगी, अरे तुम तो बुद्धि है नहीं, कभी हमको मिल गए तो कहेंगे ब्रज में हमको लाखों करोड़ आंखें दे दो कृष्ण को देखने के, और पलकें बिल्कुल ऊपर नहीं रखना, ये निनी महाराज को पलकों में बिठा दिया है, बार बार दबा देते हैं, ये हमको अच्छा नहीं लगता है, आंखें हमारी खुली रख लेना। सो शाम को मिलन और सुबह को विरह, ये रोज की गौचारण लीला के अंतर्गत भगवान की। तब दूसरे श्लोक को पढ़ते, तम मंजु गोशाली मृगध्वजाकुलम महन मन प्रखय सरस्वता वाते नजुष्टम सतपत्र गंधिना निरीक्षरं तुम भगवान मनोददी। ये तीसरा श्लोक हो गया। दूसरे श्लोक को पहले देखिए, तन माधवो वेणुम उदिरयम वृतो तम माधवो। इस माधव के ऊपर सनातन गोस्वामी ने बहुत भाव दिए है। माधव पहले तो ये भगवान गैया चराने गए हैं कार्तिक में, और उस वक्त सारा वन कैसा हो गया है, जैसे माधव का महीना हो गया। माधव महीना कौन सा होता है? फेब्रुवरी वाला, और मार्च फेब्रुवरी मार्च वाला जिसको कुसुमाकर कहते हैं, जिसमें बहुत फूल खिलते हैं, ये जो बसंत की ऋतु हो गई, माधव की ऋतु। माधव एक तो अर्थ ये है, और दूसरा माधव का अर्थ है लक्ष्मीपति। लेकिन यहां लक्ष्मी नहीं है, यहां माधव, जब ब्रज में माधव है तो राधा है ब्रज में, ये तो प्रसंग के अनुसार अर्थ निकालना चाहिए। तो यहां माधव का, और माधव का अर्थ है कृष्ण जो मधुवंश में प्रकट हुए, ये तीन अर्थ हो गए। चौथा अर्थ सनातन गोस्वामी ने कहा है, जिसकी लीलाएं बहुत मधुर है वो माधव है, मधुर लीलाओं वाला माधव, मधु ऋतु
का सारा वातावरण बन गया और सब ऋतुओं भगवान की इच्छा से सेवा करने के लिए आ गई। और लक्ष्मी वो राधा, राधा कांत माधव, यहां जब रासलीला में शब्द अगर लक्ष्मी है, अगर रमा है, राधा रासलीला में शब्द अगर रमा है, वर्ड इज रमा, तो वहां रमा का अर्थ लक्ष्मी नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं रमापति राम चंद्र की जय, तो रमापति का मतलब लक्ष्मीपति नहीं, सीतापति। तो रमापति कृष्ण चंद्र की जय, तो राधा कृष्ण की जय, तो यहां लक्ष्मी का अर्थ राधा होगा। माधवो वेणुम उदीर्यम, और भगवान ने अपने वेणु का वादन किया। ऋतु कैसी हो गई माधव की, और भगवान ने अपना वेणु वादन किया। और ये वेणु वादन के लिए तो पूरा गोपियों ने वेणु गीत गाया है। ये पहला गीत है गोपियों का भागवत में, वेणु गीत, और उसके बाद गोपी गीत है, उसके बाद प्रणय गीत, फिर गोपी गीत, और फिर भ्रमर गीत, और फिर युगल गीत। ये पांच गोपियों के गीत है, उसमें पहला ही कहते हैं गीत है वेणु का। तन माधवो वेणु उदीर्यम वृतो, उदीर्यम बजाया, वृत है उसमें से बहुत सुंदर ध्वनि निकलने गई। गोपैर ग्रंथि ग्रंथि स्व यशो बलान्वित, अब सब ग्वाल बाल कठे हो गए, ग्रंथि और सब गाने लगे। स्व यश भगवान के, भगवान का गुणगान करने लगे कि आज हमारा कृष्ण गोपाल हो गया है, जय हो जय हो। सुबह गायों की पूजा आदि करके ये विदा करने के लिए सब गए, भोजन सामग्री साथ लेके आज इन्होंने लिए कि रात को आएंगे। तो यहां से जब निकले हैं तो लिखा है कि सब बाल अनवित, चारों ओर से ग्वालों से घिरे हुए कृष्ण। कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, कृष्ण के साथ हमेशा उनके भक्त होते हैं, चाहे गाय हो, चाहे मोर हो, चाहे वानर हो, चाहे तोता हो, कुछ ना कुछ कृष्ण के, कृष्ण अकेले कभी नहीं होते हैं। बाल अनवित, बलराम के साथ भगवान, और बल अनवित, बलराम जी साथ में है। पशुम पुरुष कृत्या, गायों को आगे रखा है, गाय आगे हैं, पीछे ग्वाल चल रहे, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, गाय आगे चलती हैं, पूजनीय है हमारी, हम पीछे चलेंगे। और करने क्या लगे, हाँ सॉरी, गोपै गृतिभिः स्व यशो बलान्वितः पशुं पुरस्कृत्यः पश्वयम् आविशा, आगे गायों को किया, और गायों को बहुत अच्छा, जहां हरा जंगल था वहां ले गए, और आविष्ट वो उनके साथ जंगल में प्रविष्ट हुए। जंगल में प्रविष्ट हुए का मतलब अब नंदगांव, अब जहां रह रहे थे वहां से, ये कहां लीला शुरू होगी, तब नंदगांव अभी नहीं गए थे, ये गोकुल छोड़ के आए, तो जमुना जी को पार करके जहां अपना छत्तीसगढ़ है, जहां से हम वृंदावन के लिए अंदर हाईवे से जाते हैं, यहां ये पूरे एरिया में नंद बाबा ने अपना डेरा लगाया था। और वृषभानु महाराज जो राया गांव है, जब राधाकुंड जाते हैं वृंदावन से, तो बीच में राया गांव आता है, और उसके पास में एक और गांव है राया के साथ में, इस गांव में राजा वृषभानु महाराज रुके थे। तो ये जो क्षेत्र है ये भगवान की सखा लीलाओं का क्षेत्र है। तो यहां से ये जाने लगे, और दूसरे श्लोक का पाठ ही चल रहा था, हाँ, पशुन पुष्कृत्य हो पश्वयम्मा विशदा व्यरतो काम कुसुमा करम बनम। तो वहां से आगे कहां चले, कुसुमाकर वन, वो वन जो बहुत सुंदर हरे भरे घास जहां था, ऐसे वन में चले भगवान ने, क्या करने के लिए, लीला करने के लिए। माधव बांसुरी बजाने लगे, ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ, जहां ग्वाल बाल कृष्ण की कीर्ति गा रहे थे, गायों को आगे रख के वृंदावन में प्रवेश किया, जो बहुत सुंदर फूलों से लदा हुआ था, और गायों के लिए बहुत हरा भरा घास और सुंदर पानी था,
और यहाँ सनातन गोस्वामी ने माधव के अर्थ लिखे जो आपको बता दिए। अब हम तीसरे श्लोक का एक श्रवण करते हैं। तन मंजु गोशाली मृग द्विजकम। अब क्या था वन में, वो उस वन में मंजू, मंजू कहते हैं बड़ा आनंद देने वाला, बड़ा सुख देने वाला, बड़ा प्रसन्नता देने वाला। गौशाली मृग घोष, घोष होने लगा, आवाज होने लगा, किसका मीठा मीठा मधुर आवाज किसका था, बोला घोष अली, अली कहते हैं भंवरों को। ये भंवरे भगवान के घुंघराले बाल की तुलना भंवरों से दी जाती है और गोपियों ने भंवरों के लिए भ्रमर गीत गाया है, अली घोष अली अली भंवरों के बहुत सुंदर गुणगार। जैसे सुबह सवेरे मंगल आरती के बाद भक्त बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, थे ऐसे मधुर भंवरों की गुंजार होती है मीठी। अली कहते हैं भंवरों को, मृग कहते हैं हिरणियों को और द्विज कहते हैं पक्षियों को। पक्षियों के दो जन्म होते हैं, अंडे से पैदा होता है फिर पर पर निकलते हैं, तो पहले हैं भंवरे, दूसरे हैं मृग हिरण और तीसरे हैं पक्षी। सो अली मृग द्विज आकुलम, और बहुत बड़े आनंदित हो गए, महत बड़े महात्मा, ये सब कोई सामान्य पशु नहीं है। अब तो हम छह गोस्वामी अष्टकम में पढ़ते हैं कि जब वो रहते थे वृंदावन में तब भी कोयल होती थी, चातक होता था, बड़े बड़े सुंदर ऐसे इन सबके चहचाने का आवाज का वर्णन है। और ये सब और क्या था, वो महान मनहा प्रख्यः पयः सरस्वता, और सुंदर सरोवर थे। कैसे सरोवर थे, बोला महात्माओं के हृदय जैसे, बहुत निर्मल शांत जल जहां भरा भरा। कितने कुंड है वृंदावन में, जहां जाओ वहां एक एक सुंदर सुंदर कुंड है, और इन कुंडों का सरोवर सरोवर कुंड, और कैसे है, बोला उनका इतने पवित्र थे जितना महामात्मा का हृदय हो। वाते न जुष्टम सतपत्र गंधिता, और हवा के अंदर बहुत सुंदर पुष्पों की गंध आ रही थी। अब ये भगवान गोचारण करने जा रहे हैं तो कितना वहां आनंद है उसका वर्णन हो रहा है, कि कितना वातावरण, ये भगवान की इच्छा से सारा वन प्रदेश भगवान के स्वागत के लिए तैयार हो गया। भगवान जैसे वन की ओर देखा तो बहुत भंवरों का सुंदर गुनगुंजान होने लगा, हिरण और पक्षी चहचाने लगे, सुंदर सरोवर पानी के भरे हुए संतों के मन की तरह शुद्ध पवित्र, और जो वायु बह रही थी धीर सवेरे जमुना तीरे, जमुना के तीर के ऊपर, और इन सुंदर कमल, कैसे कमल, शतपत्र कमल, पहला एक विशेष कमल होता है सौ जिसके पंखड़ियां होती है, ये हमने तो कमलों का खुशबू ही सुनना भूल गए, ये पर कैसे फूल होंगे, ऐसे सुंदर फूलों की खुशबू आ रही थी। यहां लिखा है शतपत्र, शतपत्र कमल, इसे श्लोक में शतपत्र शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है। वाते न जुष्टम शतपत्र गंधिना, शतपत्र कमल जो है उसकी गंध है। निरीक्षय रंतुम भगवान मनोदे, ये सब देख के भगवान के मन में सुंदर लीला करने का इच्छा हो गई। और ये भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती के बाद लिखते हैं, पांचों इंद्रियों को सुख देने वाला वातावरण था वन में। बोला क्या क्या बात था, कान के लिए भौरों की गुंजार थी, पक्षियों का चहचार थी, और नासिका के लिए शतपत्र कमलों की गंध सुंदर सुगंध आ रही थी, और क्या देखा था, और फिर ये कानों के लिए वृंदावन, बहुत सुंदर हवा आ रही थी, शरीर को भी बहुत अच्छी लगी रही थी, नासिका को सुगंध मिल रही थी, और ये जल था, ये इतना शीतल था संतों के हृदय की तरह, ये प्यास बुझाने के लिए गाय और ग्वालों के लिए, तो सारे इंद्रियों को संतुष्टि मिल रही थी। और आंखों को इतना सुंदर दृश्य देखने से, कमलों का, कमल का दर्शन, तो ये सब हो रहा था। अब भगवान के लीला का वर्णन कर रहे हैं, गोचारण लीला के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कितना सुंदर ये वन का दर्शन है।
अब तीसरे श्लोक को देखते हैं, फिर गोपश्चिमी को नमस्कार करेंगे। तीसरा हो गया, सतत्र तत्र अरुण पल्व श्रिया फल प्रसनोरो भरेण पादयो। अब ये श्लोक जो है भगवान ने यहां देखा क्या, बड़ा अच्छा एक दृश्य देखा कि जितने पेड़ थे ना ब्रज के, कई कृष्ण बलराम 5 साल से बड़े हुए थे, 6 साल के तो उम्र तो इनकी लंबाई चौड़ाई तो छोटी ही थी, पेड़ जो ऊपर थे ना वो पेड़ झुक के भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहते, ये पेड़ भी ब्रज के सामान्य पेड़ नहीं है, तो उनके अंदर फल फूल भरा हुआ था, वो झुके हुए नीचे झुक रहे थे और भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाह रहे थे और भगवान प्रसन्नता पूर्वक उनको देख के उनको स्वीकार करते हुए बलराम जो कहते, बलराम जी को कहते देखो ये आपके लिए सेवा के लिए कैसे झुक गए हैं। तो ये पहले दिन के गोचारण लीला का वर्णन है। और फिर इस गोचारण लीला तो भगवान ने हर समय की पूरी 6 साल से शुरू की और 11 साल तक ही गोचारण लीला की, लेकिन आज के दिन शुरू की, इसलिए इसको गोपाष्टमी कहते हैं। और आज भगवान ने गोचारण की बहुत सुंदर अपनी लीला, और गाय है तो कृष्ण है और कृष्ण है तो गाय है, जो कृष्ण का भक्त है उसको गाय की सेवा करनी चाहिए और गाय का भक्त है तो कृष्ण का भक्त होना अनिवार्य है, गौ और गोपाल को अलग नहीं की जा सकती है, और गाय चाहिए तो फिर तो धरती चाहिए, अगर धरती नहीं है तो गाय चलेगी कहाँ, तो इसके जमीन है गाय है तो गोपाल से आपका संबंध है, और न गाय है और न जमीन है तो गोपाल से संबंध होना बहुत मुश्किल है। अब गाय देखना लोगों को मुश्किल है, मुंबई में एक बार सी फॉर काव लिखा तो बच्चे ने कहा, फोटो दिखाया गाय का, तो बच्चा कहता है कि दूध की थैलियां इसमें कहां से निकलती हैं, उसने थैली वाला दूध देखा, उसने देखा नहीं कि गाय के स्तन से दूध निकलता है। लोगों को तो गाय देखने को भी नहीं मिलती है, ये तो गाँव का सुख है कि गाय घर घर में बंधी हुई होती है, तो गाय गोपाल को बहुत प्रिय है, गाय की सेवा करनी चाहिए, आज के दिन गाय की सेवा करना, घर में बहुत बड़ा उत्सव, गौशालाओं में बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो गोपाल की जय, गोपाष्टमी की जय, कृष्ण बलराम की जय, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? ये भगवान की गोचारण लीला तो सारे इसमें धेनु का सूर से लेकर कालिया का उधार भी इसी लीला के अंतर्गत है, जब गैया ने जाके पानी पी लिया विशीला तो भगवान ने कालिया का उधार किया, ये सब गोचारण लीला के अंतर्गत आएगा। गोचारण लीला तो 5-8 दिन चलेगी, ये 8-10 अध्याय ऐसे ही चलेंगे, पर गौपाष्टमी आज शुरू है, इसलिए कार्तिक का ये महोत्सव मनाया जाता है हमारे वृंदावन की गौशाला में, गायों की सेवा, भक्तों को प्रसाद और बहुत बड़ा उत्सव होता है और सब जगह ये होता है। हरे कृष्ण। सर हमू दंड प्रणाम टू यू, दिस इज बालकृष्ण हियर। ओ बालकृष्ण जी धन्यवाद, हरे कृष्णा। माय स्पेन भगत, हरे कृष्णा। एक प्रश्न है ना जी, बाबा आया, दीन बाबा, दीना बाबा आया, चालू कराओ भाई, हरे कृष्णा, हमारी कथा पूरी करो, दीन बाबा को चालू करो, ए मानकानी, हरे कृष्णा। दिन बंधु जी नींद उठ के आ गए, यू वुड हैव टोल्ड हिम, टोल्ड मी, आई वुड आस्क हिम टू स्टार्ट इन द बिगनिंग, आई सेड, बट समहाउ एनीवे, बाबा बाबा जय गौ, गौ माता की जय, गोपाल की जय, कृष्ण बलराम की जय, हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा मानकानी।